दोस्तों, एमएमबी वर्सेस पीएसके के बीच होगा आज का दिन का थर्ड मैच एस्टोनिया टी10 का। ठीक है, इन डेप्थ कवर करते हैं दोनों ही टीम के बारे में। दोस्तों ध्यान से देखना, स्पेशली दोस्तों एमएमबी के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि इनका जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है ना, जो ओपनर है फिलहाल, जो स्क्वाड ड्रीम इलेवन में एडेड है उसके अकॉर्डिंग वो ओपनर्स नहीं खेल रहे जो इनका जेन्यून ओपनर है। तो यहाँ पे इनका बैटिंग थोड़ा सा वीक हो सकता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहीं पे टीएसके देखो कुत्ता जैसा हार के आ रहा है पहला मैच, बट पब्लिक इसको डोमिनेट क्या करेगा नहीं पता। बट हाँ, ये मैच दोनों ही वीक टीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आते पॉइंट्स में ध्यान से पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगेगा और उसके बाद समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आएंगे अगर आप लाइक टारगेट पूरा करते हो। 100 दोस्तों लाइक्स, 100 कमेंट्स का टारगेट है। 100 कमेंट्स अगर पूरा कर देते हो तो डेमो टीम्स भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 100 के फैंटेसी दुनिया मेंबर्स मेरा टारगेट है और इसको अचीव करने के लिए एसोसिएट्स में मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है रिसेंट टाइम्स में। आते हैं एनालिसिस। 100 रन एवरेज स्कोर एस्टोनिया क्रिकेट ग्राउंड रग्बी क्रिकेट ग्राउंड पे है। एमएमबी से ध्यान देना, प्रवीण ओपन करेगा, कुरुम ब्राह्मण। देखो इनका जो ओपनर है ना, ये मैंने बनाया, ठीक है। ऑफिशियल प्लेइंग 11 आएगा और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएंगे, क्योंकि इनके पास जो जेन्यून ओपनर्स थे डोमेस्टिक के वो नहीं खेल रहे इस टूर्नामेंट में, फिलहाल तो स्क्वाड में नहीं है। कलाकोटी, फिर हेतियारिची, फिर मनु प्रयाल, कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर, ये है कुछ बैटिंग ऑर्डर, इसके आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस टीम से कौन कौन रहने वाले हैं। प्रवीण आपको ओपन करते हुए दिखेगा, थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेता है तो सेफ ऑप्शन है, स्पेशली ऑफिशियली प्लेइंग 11 में अगर एज ओपनर मेंशनड है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए प्रवीण। ठीक है, कुश ब्रह्मभट्ट, ये तो कैप बी से भी बना सकते हो। टी10 में इससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट मैंने जब डोमेस्टिक में रिसर्च कर रहा था ना, इनका दूसरा टीम से खेल रहा था, उस टीम से ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे, तो फिलहाल ऐसा प्लेयर ले सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस कुश को। ठीक है, स्पेशली देखना प्लेइंग 11 में कहाँ पे है बैटिंग ऑर्डर, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, वेन्यू साइज छोटा होता है ईसीएस में। राजेश कलाकोटी 23 मैच में 221 रन, 83 ओवर, 21 विकेट, मतलब भी आपको बॉलिंग से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। विमुक्ति हित्यारच्छी डोमेस्टिक में 27 मैच में सिर्फ 155 रन, 9 ओवर, 1 विकेट, कुछ किया ही नहीं है इस बंदे ने। दुलसारा मनुप्रियल 11 मैच 25 ओवर, 14 विकेट, ये एक बॉलिंग ऑप्शन होगा इस टीम से, यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। मामून मन्नन दोस्तों डोमेस्टिक में 77 मैच, 379 रन, 203 ओवर, 61 विकेट, नॉट अ बैड चॉइस, यूज़ कर सकते हैं अपने टीम में। अंसिल फर्नांडिस इग्नोर करो, 15 मैच 13 ओवर, 2 विकेट। इरांगा विक्रमसिंघे 11 मैच 29 ओवर, 13 विकेट, नंबर ऑफ विकेट्स वेरी डिसेंट, यूज़ कर सकते हो एज डिफरेंशियल इरांगा को। हमाद खान दोस्तों रहेंगे 6 मैच में 13 ओवर, 4 विकेट। रवि 18 मैच 31 ओवर में सिर्फ 11 विकेट। शिवा अरुणाचलम, इसने डोमेस्टिक में अच्छा खेला, 39 मैच में 36 विकेट, इससे पहले टी10 में 3 मैच में कुछ खास किया नहीं है, तो शिवा को डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वाइज लेंगे हमारी टीम में। ओके ना, ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए हैं। जगदेशन शिवा 16 मैच 25 ओवर 8 विकेट, 122 मैच 25 ओवर 7 विकेट, कुछ ऐसा है बाकी प्लेयर्स के, देख सकते हो यहाँ पे 32 मैच में 23 ओवर 5 विकेट। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ईसीएस का मेरा ट्रिक नहीं है यार, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिसके नंबर ऑफ ओवर्स ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो बंदा ज़्यादा ओवर डालता है, बाकी कैप्टन और मैनेजमेंट के ऊपर है। तो हम लोग हमारे हाथ में क्या है कि नंबर ऑफ ओवर्स टैली करना, विकेट टेकिंग एबिलिटी टैली करना, क्योंकि ये वेन्यू अभी हाई स्कोरिंग दिखा है पहला मैच के बाद। तो आपको क्या करना है कि टॉप 3 के बैटर्स ले लेना है, टॉप 3 में अगर कोई ऐसा बैटर आ गया जो बॉल डाल लेता है तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, इतना करना है, ज़्यादा नहीं। इंटरनेशनल प्लेयर अगर मिला कहीं से भी आपको, उसको रख लेना है टीम में, उसके पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होता है डोमेस्टिक में। ये कुछ 4-5 पॉइंट अगर डोमेस्टिक में आप अच्छे से ध्यान से कवर अप करोगे ना, तो आपका 90% मैच वहीं पर होता है, बाकी 10% जिनके स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो आके अगर खेल गया तो हमारे हाथ में वो नहीं है, तो वो हम लोग सोचेंगे भी नहीं क्या होगा। यहाँ पे कुछ है बेंच में, जैसे कि लास्ट मैच में चंद्राप्पा दोस्तों इतना अच्छा बैटिंग किया, कहाँ से बैटिंग किया, उसका डोमेस्टिक में उतना रन ही नहीं है कभी भी, लास्ट रन बना गया, क्यों बना गया, क्योंकि ओपोनेंट से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ना, लाइक अरसलान ने बॉलिंग नहीं किया, चंद्राप्पा को का हबीब ने बहुत ज़्यादा बॉल नहीं डाला दोस्तों, 2-3 बॉलर जो थे दोस्तों, एक प्लेयर है हसान था, एहतसाम हसान कुछ ऐसा था, हसान बहुत अच्छा बॉलर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको बॉलिंग नहीं दिया गया, तो ये तो कैप्टन के ऊपर है, बॉलिंग ही नहीं कराया अच्छा बॉलर से, तो इसलिए उसने रन बनाया।
तो ये तो होना होगा दोस्तों, ये रेडी होना चाहिए आपको। अगर डोमेस्टिक खेलना है तो इस पार उस पार दोस्तों होगा। 49 मैच 20 ओवर 5 विकेट, कई और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे। 10 मैच 13 ओवर 5 विकेट दिलशान बोपागे। अब आते हैं ओपोनेंट टीएसके। टीएसके का ना मैं पहले आपको लास्ट मैच का स्कोर कार्ड दिखा दोस्तों। लास्ट मैच टीएसके 111 रन चेस कर रहा था। मैंने फैन कोड से कॉपी किया, मुझे पता नहीं बाद में वायलेशन लगेगा नहीं लगेगा, मुझे ये वीडियो अनलिस्टेड भी करना पड़ेगा आप लोग देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है किसी वेबसाइट से ऐसे कॉपी करना। मैं नहीं करता, टाइम नहीं मिला था ना इसलिए मुझे करना पड़ा, मुझे अगला मैच का भी टीम देना पड़ेगा। टीएसके से देखो अरसलान अमजद ओपन कराएगा। इसको मैंने वीसी बनाया था लास्ट मैच में, 24 में 65 ठोका है। मैंने इसको वीसी एक और रीज़न से बनाया था, डोमेस्टिक में ये अभी बॉल कर रहा था बट लास्ट मैच में ना एक भी ओवर नहीं डाला। ये टूर्नामेंट में बाद में जाके बॉल डालेगा बट बैटिंग से बहुत अच्छा फॉर्म में है और मैंने वीडियो में भी बोला वीसी है मेरा। हबीब खान ये सबसे बेहतरीन प्लेयर है बट एज अ बैटर अगर आप ट्रीट करोगे तो अरसलान ज़्यादा बेटर है। अगर एज अ ऑलराउंडर या फिर बॉलर ट्रीट करोगे तो हबीब ज़्यादा बेटर है, ठीक है। शयान ने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया बट ये बॉलिंग हमेशा ओवर कंप्लीट नहीं कराता है। लास्ट मैच में भी देखो एक ही ओवर डाला अच्छा ओवर डालने के बाद भी। तो ये टॉप थ्री लेके चलो, सिंपल है, सॉर्टेड है। कैप बीसी बनाओ इन तीनों में से, हबीब स्टिल बेटर कैप बीसी ऑप्शन, बैट बॉल दोनों कराएगा अलोंग विद अरसलान। इस मैच में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि देखो कुछ बंदे अरसलान को बना के जाएंगे जो अल्ट्रा एग्रेसिव नेचर के प्लेयर है, क्या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड देख के बना लेते हैं कैप बीसी, तो वो अरसलान के साथ जाएगा। लॉजिकली हबीब ज़्यादा बेटर है बट अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो कि इस पिच में रन ज़्यादा है तो दोस्तों अरसलान ज़्यादा बेटर बैट्समैन है तो वो भी वैल्यू दे सकता है। सिंपल है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, दोनों को एक एक कैप बीसी बनाओ। यस हबीब थोड़ा बेटर है तो 60% टीम में हबीब को बनाओ, 40% में अरसलान को बनाओ, 3 मेंबर्स खेलना। उसके बाद शयान को एज अ प्लेयर रख लो, शयान का बॉलिंग का गारंटी नहीं है। बॉलिंग जब डाला दोस्तों कहाँ चला गया मैं यार, ये मैंने शायद गलत, ये शयान, हाँ ये देखो बॉलिंग सेटी है सर। शयान आपको बॉलिंग करते हुए दिखे थे दोस्तों, शयान बॉलिंग करते हुए दिखा था, एक ओवर में एक विकेट निकाला। हबीब ने दो ओवर में एक विकेट निकाला। दोस्तों ये अच्छा ऑलराउंडर है हबीब, हाँ इंटरनेशनल प्लेयर है। एहतसाम ने दो ओवर डाला, अभी के लिए मैं इसको ले लूँगा। लास्ट मैच में मैंने इसको नहीं लिया था क्योंकि मुझे बॉलिंग से कन्फ्यूजन था बट ये दो ओवर डाला, लकीली यहाँ पे मैंने इसको विकेट नहीं मिला और मैं जो विकेट कीपर को लिया था उसने रन बनाया तो वहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट हुआ। शुभ हमारे पास थे जो दो ओवर डाला लेना चाहिए। अब ये जो तीन प्लेयर है ना इनमें से इफ्तकार का चलो मैं मान लेता हूँ कि अच्छा प्लेयर है, ये लास्ट मैच में पिटाई हो गया बट ये गुलजमान और टेबिल्ला ज़्यादा बॉल डालता नहीं है। गुलजमान तो कतई नहीं डालता, इससे डलवाया गया। और एक हसान बोल के एक प्लेयर है इनका, बहुत अच्छा प्लेयर है, कहाँ गया बंदा ये देखो, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, मैं आगे बताऊंगा। वो नहीं बॉलिंग डाला, वो अच्छा प्लेयर है, उसको ले सकते हो। अब चलते हम लोग एनालिसिस के, जो हम लोग का पास रिकॉर्ड है वहाँ। अब देखो इधर हबीब को देख लो, T10 में इससे पहले 3 मैच 6 ओवर 3 विकेट 40 रन। वहीं पर अरसलान इससे पहले T10 में 14 मैच 5 ओवर में 2 विकेट। तो ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं डालता अरसलान बट हबीब प्योर ऑलराउंडर है, हाँ बट डोमेस्टिक में मैंने देखा कुछ डाला था अरसलान। शयान भी एक अच्छा डोमेस्टिक में रिकॉर्ड है, 19 का एवरेज, अच्छा ग्रेड खेल गया रहा है बंदा। अब ये एक बंदा रहेगा डिविल्ला, 30 मैच 89 ओवर 22 विकेट बट डोमेस्टिक में बॉल नहीं डाल रहा था ज़्यादा। गुलजमान तो कतई नहीं, 54 मैच में सिर्फ 69 ओवर। ये प्लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट था अलियास हसान, जो डोमेस्टिक में अभी ऊपर भी बैटिंग करता है, T10 में 3 मैच में 6 ओवर 1 विकेट, T20 में 6 मैच 4 ओवर 2 विकेट, सरप्राइजिंगली इसने बॉल नहीं डाला, ये मैं शॉक था एहतसाम का कुछ ऐसा। कई और प्लेयर्स हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो। फटाफट से हम लोग चलेंगे ड्रीम इलेवन टीम में, समझेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे ड्रीम इलेवन जो फ्यूचर में जब लाइनअप्स आएगा ना उसके बाद हमें मेन एडिट करना है, ठीक है, उसके लिए टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम गाइस। फिलहाल जो मेरा ड्रीम इलेवन टीम रहेगा, देखो ये टीम से एहतसाम को ले लेता हूँ मैं, यहाँ से अरसलान अमजाद ले लेता हूँ, बहुत सेफ सॉर्टेड है। हबीब खान टेबिल्ला हमारे पास है दोस्तों, ये ई हसान अच्छा बॉलर है, इसने नहीं डाला बॉल डाला, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। शयान ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ से इफ्तिकार ने एक डाला, अच्छा प्लेयर है। शुभो को मैंने ले लिया, फिलहाल ये 8 टीम हो गया। और इधर MMB से अगर हमें लेना है दोस्तों, MMB मुझे उतना स्ट्रॉन्ग टीम दिख नहीं रहा है तो इनसे प्लेयर्स लेने से 10 बार सोचना पड़ेगा किसको लेता हूँ। कुश ब्रह्म भट्ट सबसे ज़रूरी प्लेयर है, फिलहाल मैं मन्नान को लेता हूँ। और यहाँ से दोस्तों हम लोग ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, हमेद खान को लेना है तो ले सकते हो आप, नॉट अ बैड चॉइस, ठीक ठाक चॉइस रहेगा। मनु प्रियल अच्छा चॉइस है, फिलहाल मैंने रख लिया। ये मुथु कृष्णन हाईली सिलेक्टेड है
पब्लिक इसको भी ले रहा है, तो इसको मैं मन्नान की जगह ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आफ्टर टॉस अगर ये टीम बॉल फर्स्ट किया, एक आधा एक्स्ट्रा बॉलर इस टीम से ऐड कर सकते हैं, बट ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ये वाला TSK, तो इनके फेवर ही टीम रखो। ये इस टूर्नामेंट, ये अभी तक जितना टीम्स एडेड हुआ है ना, सबसे बेस्ट टीम है। हबीब फिर से कैप्टन, और ये नहीं बनेगा मुथु कृष्णन कैप्टन, वाइस कैप्टन अरसलान है यार, फिर बैकअप में इसको बनाना है तो बनाओ, फिलहाल मैं अरसलान को बनाता हूँ। स्लाइटली कन्फ्यूजन होगा इस मैच में, फिलहाल ये रहेगा टीम इस मैच के साथ। अगले मैचेस के कवरेज अपडेट के लिए टेलीग्राम जुड़ जाना, इन्वेस्टमेंट केयरफुली करना, एंड इफ पॉसिबल मैं विनिंग शेयर कर दिया कुबेरा का लास्ट मैच में, जाके देख सकते हो, उस ऐप में खेल सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑफिशियली सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। कुबेरा फैंटेसी ट्रस्टेड ऐप है, और रेफर कोड जरूर अपना डाल देना मित्रा FDF, मेरा सरनेम मित्रा प्लस FDF फैंटेसी दुनिया फैमिली, ये आपको डिनोट करता है, तो मित्रा FDF डाल देना रेफर कोड में। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।